मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ इस व्यासपीठ से कि उन्हें उस आइडियोलॉजी को सर्च करने के लिए पश्चिम की ओर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पश्चिम की थ्योरी को पढ़ते हो तो वहां पर विलियम शेक्सपियर को आप पढ़ते हो। मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरा लिटरेचर इंग्लिश से पीजी रहा और मैंने खूब पढ़ा है, लिटरेचर था तो खूब पढ़ा है। और जब हम विलियम शेक्सपियर की थ्योरी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सबसे पहली कोटेशन दी जाती थी, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ध्यान रखिएगा, जब आप पश्चिम की थ्योरी को पढ़ेंगे, वहाँ की फिलोसफी को पढ़ेंगे, तो आप लोगों को ऐसी ऐसी डेफिनेशन मिलेगी कि प्यार अंधा होता है। पर जब आप अपने आदर्शों को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा प्यार वो होता है जो दो की जगह चार आंखों से देख करके सबको चलता है। जिस रामायण को आप सुन रहे हैं इसमें एक भी स्थान पर आपको अंधापन नजर नहीं आया होगा। प्यार है, कौन सा प्यार है? वो दिखावटी प्यार नहीं है, ध्यान से सुनना, वो दिखावटी प्यार नहीं है जो केवल एल्बम में नजर आता है, वो दिखावटी प्यार नहीं है जो सोशल मीडिया पर नजर आता है, और बुरा मत मानिएगा, वो दिखावटी प्यार भी नहीं है कि 25-25 साल माँ बाप ने पाल पोस करके बड़े कर दिए और स्कूल कॉलेज में केवल 2 महीने एक फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, देखा और कोई अच्छा लगा और तुरंत थाने में जाकर के खड़े होकर के बयान दे दिया कि हमें खतरा है। किससे? जिस माँ ने 25 साल हमें पाल करके बड़ा किया उस माँ से खतरा है, जिस पिता ने अपनी जूतियां घिस दी हमारे लिए उस पिता से खतरा है। इसलिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को, जोर से बोलो, प्यार कर, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये अंधापन है, ध्यान रखिएगा, जिसको पश्चिम की थ्योरी बता रही है। पर यदि आप अपनी पूर्वी सभ्यता की ओर देखोगे, यहां की संस्कृति की ओर देखोगे, तो प्यार क्या है? जिस मां ने वनवास भेज दिया उस मां से भी प्यार है। तड़प तड़प करके एक पिता ने अपने प्राण दे दिए वचन में बंद करके, वो भी प्यार है। जिसके बेटे को वन भेजा वो चुपचाप परिवार की मर्यादा को बांध करके अपने पल्ले से खड़ी रही, ये भी प्यार है। एक पति की सेवा करने के लिए साथ चली गई, ये भी प्यार है। और एक बुजुर्गों की सेवा करने के लिए 14 वर्ष पति से अलग होकर के घर रुक गई, ये भी प्यार है। जिसको पूरा का पूरा राज थाली में परोस करके माँ ने दे दिया और वो उस पूरी थाली को लेकर के नंगे पैर चित्रकूट तक चल करके अपने भैया को राज दे करके आया, ये भी प्यार है। और भाई की चरण पादुकाओं को सर पर रख करके लाया, ये भी प्यार है, ये भी प्यार है। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, ये प्यार है जिसमें कहीं पर भी कोई अंधापन, जोर से बोलो, अंधापन नहीं। इस प्यार में ज्ञान है, इस प्यार में समर्पण है, इस प्यार में करुणा है, इस प्यार में मर्यादा है, इस परिवार में कुल की लाज की रक्षा है, इस परिवार में आंखों में शर्म है, इस प्यार में वाणी पर नियंत्रण है। ये प्यार अंधा नहीं है, बेशर्म नहीं है, ये प्यार है। और इसका गुणगान, इसका बखान मैं कहां तक करूं? बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जो इस मर्यादा में बंध गया वो सोच लेना सीधे सीधे परमात्मा से बंध गया, क्योंकि ये ईश्वर की ही तो आज्ञा है। अनुव्रत है पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, माँ भ्राता भ्रात्रम दुक्षण। एक पिता और पुत्र कैसे व्रतों का पालन करे, कैसे माँ के हृदय से जुड़ करके चला जाए, भाई भाई में कैसा प्रेम हो, बहन बहन कैसे रहे, मित्र मित्र कैसे रहे, ये सब ईश्वर की आज्ञा है, जिसका अक्षर सह पालन श्री रामचंद्र जी ने किया। इसलिए रामचंद्र जी एक बार ही बोलते हैं, रामो दुर्भानाशते, राम दो बार नहीं बोलते, वो एक बार बोलते, एक धर्म का पालन करते, एक ईश्वर की आज्ञा को मानते। और जो उस ईश्वर की आज्ञा को मान लेगा तो क्या होगा? कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है,
थालियों को खोल देना, टोल टैक्स पर तो नहीं बजानी ना, सत्संग में ही बजानी है ना, अगले जन्म में भी धार्मिक आयोजन में ही ना, तो दोनों हाथ उठा दो। उसे हर दम आनंद ही आनंद है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है, ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है। दोनों हाथों को उठा करके आनंद ही आनंद है।
प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही, बोलो आनंद है। वो परमात्मा के आनंद में गोते लगाता है, फिर चाहे राज मिले तो चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, और छिन जाए तो चेहरे पर, बोलो मलिनता नहीं, उदासी नहीं। ऐसे हैं श्री राम।